हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि ब्लॉग। एंड आज मैं आपको ले जा रही हूँ द फिनिक्स मार्केट सिटी, जो पुणे का बहुत ही शानदार और बहुत बड़ा मॉल है। फ्रेंड्स, ये विमान नगर में है एंड मैं वाकर एरिया में रहती हूँ। सो आज की हमारी जर्नी स्टार्ट होगी फ्रॉम वाकर टू विमान नगर। सो फ्रेंड्स, अगर आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो पर ढेर सारे लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, चलते हैं हम द फिनिक्स मार्केट सिटी, लेट्स गो। फ्रेंड्स, ये वाकड़ एरिया है एंड वाकड़ एरिया से हम जा रहे हैं विमान नगर की ओर, जो यहाँ से काफी दूर है। ये ऑन द एरिया आ चुका है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी पिक्चर्स बनाई गई हैं वॉल पर, जो हमें मैसेज देती हैं कि प्लीज सेव वाटर, प्लीज सेव अर्थ एंड आप जितना ज्यादा हो सके आप पेड़ लगाएं और पेड़ों को कटने से बचाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें रास्ते में कौन मिला है, ये बहुत एंजॉय कर रहा है एंड मैं आपको पास से ये फुटेज दिखाती हूँ। देख सकते हैं इसको, सो क्यूट। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हम पहुंच गए हैं द फिनिक्स मार्केट सिटी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये मॉल सुबह 10:30 बजे खुलता है एंड रात को 11 बजे ये मॉल बंद हो जाता है। इस मॉल में फ्रेंड्स आपको इंडियन एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स, ऑलमोस्ट सभी ब्रांड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये चले फ्रेंड्स हम अपनी कार पार्क करने के लिए। अब हम लेंगे अपना पार्किंग टिकट एंड फ्रेंड्स, आप जब भी यहाँ पर आए तो आप एक्सक्लूसिव रेस्टरूम के फ्री कूपन्स यहाँ से लेना ना भूलें, क्योंकि अगर आप ये कूपन्स ले लेते हैं तो आपको ग्राउंड फ्लोर पर ये जो एक्सक्लूसिव रेस्टरूम इन्होंने बनाया है वो फ्री यूज़ करने के लिए आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा। ये रेस्टरूम बहुत ही शानदार तरह से बनाया गया है। यहाँ नॉर्मल रेस्टरूम है पर ये बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो में कि पार्किंग स्पेस यहाँ पर बहुत अच्छा दिया गया है। आपको पार्किंग स्पेस की बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पार्किंग स्पेस काफ़ी बड़ा है। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं मॉल के अंदर। आप देख सकते हैं ये मॉल कितना शानदार है। फ्रेंड्स, इस मॉल में आपको ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक ब्रांडेड क्लोथ्स, मोबाइल्स, शूज, सैंडल्स, ग्रोसरीज आइटम्स, लेडीज एसेसरीज, फूड आइटम्स एंड होम डेकोरेशन आइटम्स आपको सभी यहाँ बहुत अच्छे मिलेंगे। ये मॉल शॉपिंग करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। इस मॉल को फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। आप देख सकते हैं सामने वेस्ट साइड का शोरूम एंड इसका जो इंटीरियर दिया गया है वो बहुत ही शानदार है। फ्रेंड्स, ये हम जा रहे हैं फ्रेंड्स फर्स्ट फ्लोर की ओर। आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है। इस मॉल में फ्रेंड्स आप अपना पूरा दिन बिता सकते हैं। आप यहाँ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आके बहुत एंजॉय कर सकते हैं। इस मॉल में बहुत अच्छा फूड कोर्ट भी दिया गया है, जहाँ आप वैरायटी ऑफ फूड का मजा ले सकते हैं एंड इस मॉल में बॉल कोर्ट भी है एंड बच्चों के लिए किड्स जोन्स भी बहुत अच्छे बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये मॉल कितना ब्यूटीफुल है, कितनी अच्छी इसकी डेकोरेशन दी गई है एंड इसको मेंटेन भी बहुत अच्छे से किया गया है। फ्रेंड्स, ये मॉल मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं यहाँ पर अक्सर आती हूँ एंड मुझे शॉपिंग करने के लिए ये प्लेस काफ़ी पसंद है। रुचि का शोरूम है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं यहाँ पर।
डेकोरेट करने के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ बहुत अच्छे ऑप्शन है, फर्नीचर यहाँ बहुत अच्छा मिल जाता है एंड ये काफी डिजाइनर है। ये जा रहे हैं फ्रेंड्स हम फूड कोर्ट की तरफ। फ्रेंड्स इतना घूम लेने के बाद भूख लगनी तो बनती है, सो हम आ गए हैं फूड कोर्ट में। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे एंड यहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, माउथ वाटरिंग खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या खाना है। यहाँ पर आपको सबवे, बर्गर किंग एंड मैक डी भी आपको यहाँ मिलेगा। ये आ गए हैं फ्रेंड्स हम होम सेंटर में। यहाँ पर किचन डेकोरेशन आइटम्स बहुत अच्छे मिलते हैं फ्रेंड्स। ये सैंपल किचन है, आप चाहें तो अपना किचन ऐसा बनवा भी सकते हैं फ्रेंड्स। मुझे होम सेंटर में आना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इस मॉल में दिवाली, न्यू ईयर एंड क्रिसमस की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी डेकोरेशन मिलेगी। इसी के साथ फ्रेंड आज का मेरा ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। एंड फ्रेंड्स ये मेरा सेकेंड ब्लॉग था, आई होप आपने इंजॉय किया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।